एमएनएस ने दावा किया है कि राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी एक चिट्ठी के जरिए दी गई है और इस बाबत आज एमएनएस की तरफ से महाराष्ट्र के गृहमंत्री से शिकायत भी की गई। साथ ही साथ पार्टी के नेताओं ने राज ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की अपील भी की है। एमएनएस नेता बाल नांदगांवकर ने बुधवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की। नांदगांवकर इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से भी मिले। नांदगांवकर के मुताबिक उन्हें एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने के लिए उन्हें और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। नांदगांवकर ने कहा कि अगर राज ठाकरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। मैंने कहा है कि राज ठाकरे साहब के बाल को भी धक्का लगेगा तो पूरे महाराष्ट्र में अंदर लग जाएगा, इतना मैं कहता हूँ। उसका राज्य सरकार के पास मैं उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, उनके कुटुंब को सिक्योरिटी देनी चाहिए, ना कि वो राज्य सरकार के पास मैंने मांग की है, मैंने केंद्र सरकार के पास भी मांग की है। ये आजान के बारे में जो भोंगा आंदोलन हम लोग ने चालू किया था उसके बारे में मुझे धमकी आई है जान से मारने की, ना केवल मुझे आई है, राज ठाकरे साहब को भी उसी लेटर में जान से मारने की धमकी दी गई है। नांदगांवकर ने कहा कि वो पहले भी राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की महाराष्ट्र सरकार से अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। लाउडस्पीकर विवाद के साथ राज ठाकरे की 5 जून को होने वाली अयोध्या यात्रा भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध करने वाले उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला के घर बुधवार को मुंबई पुलिस पहुंच गई और उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। सुनील शुक्ला बुधवार को राज ठाकरे के घर ये कहने के लिए जाने वाले थे कि वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। सुनील शुक्ला को नोटिस भेज मुंबई पुलिस ने कहा है कि उनके राज ठाकरे के दादर स्थित घर शिव तीर्थ जाने से कानून व्यवस्था में दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए वो वहाँ ना जाए। यूपी में राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर अयोध्या और कैसरगंज दोनों जगह से बीजेपी के सांसद ही आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे को उत्तर भारतीय विरोधी होने के नाते अयोध्या में ना घुसने देने की चेतावनी दे रहे हैं, तो अयोध्या के बीजेपी सांसद उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। भगवान राम के वंशजों को भी को ही आप भैया कहोगे, भैया भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे, हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे, ये नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी। आप एक बात जान लो कि उनको घुसने नहीं दूंगा, एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाएंगे। आदित्य 10 जून को अयोध्या जा रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।